आज हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था ट्रायंगल। ठीक है, हमने इसके दो लेक्चर पीछे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए बुक से रीड करके बताता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी है। देखिए क्या है हमारा, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, एबीसीडी इज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अच्छा एसीबीडी दे रखा है, एसीबीडी इज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल एक एक लाइन आपको क्लियर क्लियर पढ़नी है इस बुक की। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे इस बात का मतलब नहीं पता चला, तो उसको आप छोड़ दें, फिर आप आगे बढ़े तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। पहले क्या बोला, ए सी बी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ए सी बराबर है किसके, बी डी के। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या बोला है कि जो ए बी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है कि ऐसे काट के जा रहा है कि दोनों बराबर भागों में बट गए हैं, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ काटना, उसका बराबर होने से कोई ताल्लुकात नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद उन्होंने बोला है कि, और एक कंडीशन ये देखें कि एसी बराबर है एडी के। अब हमको ये शो करके दिखाना है भैया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये मैंने गिवन लिख लिया, और ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है मैंने लिख लिया, मुझे ये शो करके दिखाना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। देखिए आपको करना है स्टेप क्या, कैसे कैसे करना है, लिखना है आपको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद आपको ये लिखने के बाद आपको इन तीनों, इन दोनों में तीन चीजें कॉमन निकालनी है। देखिए पहली चीज क्या है मेरी, पहली है एसी बराबर है किसके, एडी के। यहां तक तो आपको क्लियर है ना, एसी बराबर है एडी के। कैसे है भाई, कैसे है, गिवन है, क्योंकि हमें ये समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए ए बी जो है मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे लिखना है आपको ए बी बराबर है किसके, ए बी के। ठीक है, कहाँ से आया मेरा, ये है मेरा कॉमन। ठीक है, कैसा है ये मेरा कॉमन। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या दिखा कि ए जो है बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों एंगल बराबर भाग में बढ़ जाएंगे, तो बोल सकता हूँ एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए डी के। और कैसे आया, ये भी मेरा आपको गिवन नहीं, आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल लिख सकते हैं रीजन कि ए बी जो है मेरा बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई, ये तीन चीजें मिल गई, तो आप देख सकते हैं ए क्या मेरी साइड है, फिर एंगल आया, फिर साइड आ गई, तो आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। कैसे है कॉन्ग्रुएंट, तो आपको लिखना है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा है इसमें, एक किसी और पूछी थी कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब बी सी एंड बी डी के बारे में क्या सोचते हैं बताइए। ठीक है, बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या सोचते हैं बताना है हमको। देखिए बी सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और बी डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बी सी बराबर है बी डी के। कैसे है, सी पी सी टी से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, प्लीज नोट करें आप एक बार। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी जो है हमारा एक कोऑर्डिनेटरल है। ठीक है, ओनली कोऑर्डिनेटरल बोला गया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला है कि बी डी बराबर है आपका बी सी के। मैंने लिख रखा है यहाँ पे गिवन में, इस तरीके से आपको पेपर में पूरा वर्किंग स्टेप करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि डी ए बी बराबर है सी बी ए के। देखिए डी ए बी यानी कि ये वाला पूरा एंगल बराबर है किसे, सी बी ए के, यानी कि इस वाले पूरे एंगल के बराबर है। अब आपको ये तीनों चीजें प्रूव करके दिखानी है। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ए बी डी, ए बी डी ये वाला पूरा ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। और दूसरी चीज ये करना है कि बी डी बराबर है आपका ए सी के, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। उसको देखिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ए बी डी बी ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी है, यानी कि बी, अब ये बोलेंगे कि ए बी सी, देखिए ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है किसके, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है बी ए सी यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन में। तो आपको देखो इतना घोचपोच नहीं बचा रहा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है इसको रफ करता हूँ, और आपको सिर्फ मैं पहला स्टेप करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पार्ट 1 है, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, हम कौन सा कर रहे हैं अभी, पहला कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, और यहाँ पे लिखना है आपको एंड बी ए सी, दोनों को लिख लिया हमने। अब आपको ध्यान से देखना है कि ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, यानी कि ए बी डी क्या है मेरा, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, और क्या है मेरे पे, बी ए सी,
डी ए सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में देखिए आप ए डी बराबर है किसके, बी सी के, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी बराबर है किसके, बी सी के। कहाँ से आया, गिवन है भैया हमें, ये क्या है जी, गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो मैं लिख दूंगा दोनों इक्वल है, तो एंगल डी ए बी बराबर है एंगल किसके, ए बी सी के, ठीक है। कैसे बराबर है, क्योंकि मेरे को क्या चीज दे रखी है, मेरे को गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है मेरे को, गिवन, बिल्कुल सही है, क्या है मेरे को, ये भी चीज मेरे को क्या है, गिवन है। अगली चीज देखिए, अगली चीज दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कौन है, ए बी, ए बी देख सकते हैं आप दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यहाँ पे आपको बात पता चल गई है ए बी बराबर है किसके, ए बी के, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये देख सकते हैं कि एक साइड है, एक एंगल है और एक क्या है मेरा, ये तो कॉमन से आके ये भी मेरी साइड है, तो आप बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, और कैसे हो जाएंगे आपको वो भी लिखना होगा, आप लिख देंगे साइड एंगल साइड, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है, रूल, तो ये आपका हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट। दूसरा पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, देखिए दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि बी डी को ए सी के बराबर दिखाना है, देखिए बी डी को ए सी के बराबर दिखाना है, तो आप लिख सकते हैं बी डी बराबर होगा किसके, ए सी के, कैसे होगा, सी पी सी टी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो भैया अगर आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये एंगल किसके बराबर है, आप यहाँ पे देखिए बी ए सी, बी ए सी यानी कि इसके बराबर ये प्रूफ करना है। देखो ये जो एंगल आ रहा है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, और ये जो एंगल आ रहा है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। अभी तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने ऊपर वाले स्टेप में प्रूफ करा था, क्या प्रूफ करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, तो वही चीज इस ट्रायंगल में से बाहर लेंगे, तो हम सीपीसीटी से बाहर नहीं ले सकते, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब यही था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी, कैसे आ गया, सीपीसीटी से, तो सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस फिगर में थोड़ा उलझा रखा है ऐसे बना के, बाकी इतना हार्ड नहीं है, आप इसको अगर हटा देते हो ये लीजिए, अब कुछ नहीं लगेगा आपको, ये दो ट्रायंगल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है भाई, दो ट्रायंगल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट करें आप पहले। हाँ तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगी। देखिए क्या है, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, ध्यान से पढ़ना है, दोनों इक्वल है, पहली लाइन में बोल दिया गया भैया, तीन लाइन पढ़ते ही, इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि आप बोल सकते हैं ये कि ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, ठीक है जी, इक्वल हो गए। अब ये दोनों जो है इक्वल तो है, और परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है जी, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आपको ये शो करके दिखाना है भैया कि सी डी जो है वो बाइसेक कर रहा है, बाइसेक का मतलब बोलिए, क्या बोलिए बताइए, बाइसेक का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, ठीक है। क्या सी डी जो है वो बाइसेक कर रहा है ए बी को, कहने का मतलब है कि जो सी डी है क्या ए बी को इक्वल भागों में बांट रहा है, यह हमें प्रूफ करके भैया दिखाना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है जी। अच्छा तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, यानी कि इन द मीन्स इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ओ डी बराबर दिखाना है ओ सी के, यही तो बोला है, और क्या बोला, कुछ नहीं बोला हमसे, यही बोला उन्होंने इनडायरेक्टली कि आपको ये दोनों प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ और मैं ये प्रूफ कर दूँ। अच्छा गिवन एक खूबसूरती के साथ लिखनी है, ठीक है, कौन सी खूबसूरती से, देखो खूबसूरती का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से आसान भाषा में लिखना है, बिल्कुल गिवन, ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं गिवन लिखना है, हाँ जी जो बुक में लिखा हुआ पूरा पूरा छाप दिया, तो गलत पैटर्न है ना, वैसे गलत नहीं करेगा कोई, है ना, मतलब नहीं आ रहा तो लिख दो यार, नंबर तो मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने ये कर लिया, फिर आपको यहाँ पे करना है सॉल्यूशन। अब आपको अपना मकसद पता होना चाहिए, जब भी आप कुछ काम करते हो, या वो जिंदगी हो या फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मैथ के, तो मकसद पता होना चाहिए। मकसद यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं दोनों ट्रायंगल को, तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया तो क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा तो ये सीपीसीटी तो भैया बाहर निकलने ही है ना, हाँ, तो यही करना है आपको। तो सबसे पहले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो पहले आपको माइंड सेट करना है और खुद ही सोचना है कि हाँ ये क्या ये हो रहा है, देखो ये इसके बराबर, ठीक है जी, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये भी हो गया। एक और चीज ध्यान से देखो जरा, ये जो एंगल है ये इसके बराबर नहीं होगा, जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एक ये मिल गया, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आपको लिखना है इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, इतनी चीज आपको क्लियर हुई है। अच्छा उसके बाद आप देखिए, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर है किसके, ए डी के,
इतनी चीज आपको क्लियर हुई है, बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है जी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी बराबर है किसके, एंगल ओ बी सी के, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है जी। और एक और चीज देखो, ये कहाँ से आया, ये था आपको गिवन, ये भी था आपको गिवन, ठीक है। अब जो चीज आएगी वो गिवन नहीं होगी, वो हमने ढूंढी है, खोजी है, लेकिन क्या लिख देंगे, खोजना लिखेंगे, नहीं खोजना लिखेंगे यार, फॉर्म लिखेंगे जो भी हमारा थ्योरम होगा, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ सॉरी डी ओ ए बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ सी के। कहाँ से आया, आसमान से टपका क्या, नहीं, कहाँ से आया, हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब ये देख सकते हैं कि एक एंगल, ठीक है, फिर साइड, फिर एंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल साइड एंगल से। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल साइड एंगल से, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, प्लीज नोट करें एक बार। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हमारे, वो है एंगल 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 साइड से, दोनों ऑप्शन क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है ना। तो साइड वो एंगल साइड एंगल नहीं, क्योंकि ऐसे कोई कॉन्ग्रुएंसी का भी नियम नहीं दे रखा हमारे में, ठीक है। तो यही रूल है, इसे करना है आपको, प्लीज इसे नोट करें, फिर आगे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ईजी है। देखो क्या बोल रखा है, एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है जी, दोनों पैरेलल है। पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइन से, देख सकते हैं आप, ये दोनों पैरेलल है और ये एल एम पैरेलल है। अब क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो पी है मेरा वो एल को ए पे और एम को बी पे, और जो क्यू जो है मेरा वो एल को डी पे और एम को सी पे कट कर रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है भैया कि दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन कौन से, ए बी सी एंड सी डी ए। देखिए ए बी सी और सी डी ए, यानी कि ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। करने से पहले आपको खुद सोचना है, सोचिए मेरे साथ, ये और ये पैरेलल है, तो बोल सकते हैं कि ये वाली चीज, इधर वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये और ये पैरेलल है और ये ऐसे एक लाइन जा रही है, तो आप बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है इसके पैरेलल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। और एक दो ये वाली जो चीज है मेरी, ये तो कॉमन ही आ रही है, ये वाली साइड दोनों में ये कॉमन हो गई, लो जी हो गया कॉन्ग्रुएंट, कितना आसान काम है। तो करें, देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल जो प्रूफ करना है ए बी सी, एंड यहाँ पे लिख दीजिए आप ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, ए बी सॉरी क्या लिखेंगे कि ये वाला एंगल, यानी कि कौन सा एंगल, देखिए बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है ना, पूरा पूरा लिख लेंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल, एंगल कौन सा, सी ए डी बराबर है किसके, देखो सी सी ए डी, ठीक है, ये लिख लिया सर मैंने, हाँ सी ए डी, सी ए डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, तो बोल सकता हूँ इक्वल्स टू ए सी डी के। ये कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये भी। अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो कि ए सी ए सी दोनों में क्या कॉमन है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ए सी बराबर है क्या ए सी के, तो कहाँ से आया बताइए, ये हो गया हमारा कॉमन। देख सकते हैं कितनी आसानी से चीजें निकल के आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, कहाँ से आया, बाय ए ए एस क्राइटेरिया से, ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बहुत आसान ये चैप्टर है, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, प्लीज, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, हम पार्ट टू इसका आगे करते हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चन आगे के लेक्चर में करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा से वीडियो बनाने का आशय यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है ना, बहुत ईजी लैंग्वेज में। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। All the very best. Bye bye. See you.